चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you. हजरत नाश्ता किए हुए 10 घंटे हो गए हैं, चलो आके खाने की तैयारी करें। तो बस माँ जी, खाने को 10 घंटे नहीं 10 मिनट हुए हैं। ओए शाबाशे, कहीं मुझे उसकी बीमारी तो नहीं हो गई तबस्सुम? ओ माँ जी, भूलने की बीमारी तो आपको हमेशा से है यार। मैं भूलने की नहीं, उसकी बात कर रही हूँ। ओ, उसकी किसकी मोमो? अरे तुम्हें कितनी मर्तबा कहा यार के खाना हाथ रोक के खाया करो, तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाता है ज्यादा खाना। हाँ, खाने की, मुझे खाने की बीमारी हो गई अशफाक। ओ माँ जी, खाने की बीमारी आपको नहीं है, महमूद साहब को है। खा के हर तरफ से फैल रहे हैं ये, बल्कि इनके पेट और मुंह का मुकाबला चल रहा है। कभी पेट बड़ा हो जाता है, कभी मुंह बड़ा हो जाता है। बस करें यार, आप लोग इन्हीं बातों में लगे रहेंगे। जरा भी अंदाजा है आपको कि सिर्फ 5,000 रुपए बचे और पूरा महीना बाकी है अभी। जानू, मैं तुम्हें इस तरह हाथ खींच के गुजारा करते नहीं देख सकता। सच नबील? हाँ जानू, फोन उठाओ और पापा जी से अगले महीने का खर्चा एडवांस मंगवाओ। सच नबील? ओके जानू। ये लो 100 रुपए, आधा किलो भिंडी लेकर आओ। हाँ, आधा किलो भिंडियां तो मैं काटने के दौरान ही कच्ची खा जाती हूँ। तो मत खाइएगा ना, इस बार काट लीजिएगा। चले महमूद साहब, ताजा ताजा भिंडियाँ लेके आए। मुझे हमें जाके ताजा ताजा लानी है, वो भिंडियाँ हैं। हाँ जी। वैसे नबील, भिंडियाँ अगर गोश्त में पकाई जाए ना तो बड़े मजे की बनेगी। महमूद साहब, गोश्त आपके पास अपना बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा मुंह है आपका, भिंडी खा ले फायदा होगा। आ जाए। मेरे मुंह पे गोश्त है तो तुम्हारे मुंह पे चर्बी है क्या? ओए आ जाए, बस कर। वालेकुम सलाम, आप कौन? आपका ग्रोसरी वाला। ओ, आप रुके, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। अब आपके यहाँ कोई सामान नहीं आएगा मैडम। क्यों? आप पैसे तो देते नहीं है, मुफ्त में खा जाते मेरा सारा सामान। देखिए, आप हम पर फजूल इल्जाम मत लगाएं। मैंने पिछले हफ्ते पैसे भिजवाए अपने शौहर से। आपका वो शौहर है ना, छोटी शर्ट वाला मैडम, कोई पैसे नहीं दिए उसने। और तो और, जब भी आता है मेरी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पी के जाता है। 24 बोतलों के पैसे अलग देने हैं उसने अभी। क्या? हाँ, और वो बड़े मुंह वाला आदमी पिछले महीने 6,000 रुपए लेकर गया था, अब तक नहीं लौटा है। 6,000 आपने दिए क्यों? अरे उसने अपनी बीवी की दवाइयाँ लेनी थी, अगर दवाइयाँ टाइम पे ना लेता तो उसकी बीवी मर जाती। और वादा करके गया था कि पैसे लौटा देगा, आज तक नहीं आया। तो कुल मिला के आपके 17,500 रुपए हो गए मैडम। देखिए, मेरे पास फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है। अरे फिर घड़ी टॉप्स कोई चीज बेच के मेरे पैसे तो दो। देखिए ऐसी बात ना करें, आप अभी जाइए, मैं कल तक आपके पैसे भिजवा दूंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा 2-4 बंदे लेके उनकी कूट लगाने के लिए। अच्छा, ओके। चल जी ना लो लो ब्रिजिडा, जल्दी से पी ले, नहीं तो तुझे कमजोरी हो जानी है। किससे बात कर रही है? ये क्या है निस्नीन? माँ जी, कोई दरवाजे पे डाल गया ये। ओ शवशे, ओ शर्म नहीं आती तुझे लव लेटर सास के सामने लाते हुए? लव लेटर? आने दे दीर को, उसे मैं बताऊंगी कि उसके पीछे तुम क्या गोल खिला रही है। माँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं खिला रही और मेरे लिए कोई लव लेटर नहीं आया। हाय, इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ही लव लेटर आ गया है। कोई नहीं, इश्फाक तो जल भूनी जाएंगे। आपके लिए कोई लव लेटर क्यों डालेगा माँ जी? चुपे, मुझे पता है ये मेरे लिए है, क्योंकि जवानी में भी ना मुझे बड़े लव लेटर आते थे, मगर वो ब्लड से लिखे होते थे। तू चेक करके बता कि कहीं ब्लड से तो किसी ने नहीं मुझे खत लिखा। ये तलाशी गुमशुदा का पैम्फलेट है माँ जी। कौन गुमशुदा हुआ है नसीन? खूबसूरत। अच्छो, खूबसूरत गुमशुदा हो गई है, चल पुलिस में रिपोर्ट लिखाते। खूबसूरत मैं हूँ माँ जी, बेचारी जवान लड़की है, 2 दिन से लापता है। जो भी उसे तलाश करके वापस देगा घर वालों को, उसको 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। शाबाशे, जिसको ये मिली उसके तोहारे न्यारे हो जाने। फिर क्या यार नबील, 4 भिंडियों की खातिर तुमने 20 मिनट की वॉक करवाई है मुझे। अरे कितने नाशुक्र हैं आप, एक तो मैंने पैदल चलवा के आपकी कैलोरीज बर्न की, ऊपर से सौदे में से जो पैसे मारता हूँ उसमें से आधे दिए यार, और क्या किडनी दे दूं अपनी आपको। अरे 70 रुपए का शेयर दे के मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। तो लाए 70 रुपए वापस करें, बल्कि 100 रुपया दे, कल के भी 30 देने हैं आपने मेरे। चल ऐसे चल यार, ये क्या बात हुई। अंकल अंकल,
महमूद साहब आपको अंकल कह रही है। नहीं मैं आपको भी कह रही हूँ छोटी टी शर्ट वाले अंकल, मेरी बात सुने ना। सुनाए ना। क्या बात है बेटा बताओ। अंकल वो मेरा नाम ना पिंकी है और मैं खो गई हूँ। कैसे खो गई हो तुम इतने बड़ा बेटा? मैं घर के बाहर ना खो खो खेल रही थी और खो खो खेलते खेलते मैं खो गई। बेटा जी अगर खो खो की बजाय तुम घर घर खेलती ना तो इस वक्त अपने घर में होती। ये क्या कह रहे हैं आप महमूद साहब? बेटा दिल तो नहीं करता लेकिन बेटा कहाँ कौन सा घर, कहाँ है घर आपका? मेरा घर ना रोड पर है। कौन सी रोड पर? वो जो लंबी वाली रोड है ना उस पे। अरे बेटा रोडे तो सारी लंबी होती हैं और हर रोड पे बहुत सारे घर होते हैं। हाँ वो जो बहुत सारे घर होते हैं ना उसमें से एक घर मेरा भी है लेकिन अभी मुझे ना याद नहीं आ रहा और मुझे बहुत और से प्यास भी लगी है। अच्छा चलो चलो परेशान मत हो तुम है, हमारा घर ना यहाँ नजदीक ही है, तुम हमारे घर चलो वहाँ पानी भी पी लेना और अपने पापा को फोन करके बुला भी लेना। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू अंकल। अंकल वैसे मैं एक बात पूछूं? जी बेटा पूछो। अंकल ये आपका फेस तो बिक क्यों है? मैं मुसा अल्लाह की कसम मैंने नहीं बताया, अल्लाह की कसम। जी यहाँ हाय मेरी बहू घर वापस आ गई, कितनी प्यारी लग रही है, दो पोनियां बनाओ के। अब कसम है घर छोड़ के नाराज होके नहीं जाना है। ओ माँ जी ये आपकी बहू नहीं है यार, आपकी बहू खूबसूरत है। तो मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना अंकल। हाय सच्ची मुच्ची कितनी खूबसूरत है। ये पिंकी है माँ जी। तुम्हें इसका नाम कैसे पता भाई? इसकी वजह से, ये गुमशुदा बच्ची है और इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। जो भी घर वालों को इत्तला करेगा ना उसको 20 लाख का इनाम मिलेगा। देखा महमूद साहब मेरी नेकी का सिला, मैंने अच्छा फैसला किया इसको घर लाकर। अरे तुम्हारा फैसला कहाँ से भाई, मैंने इसको घर चलने के लिए कहा था। वो यार एक ही बात है, बाप कहे या बेटा पैसे तो एक ही घर में आ रहे हैं यार। कौन से पैसे फील? अरे माँ जी वही जो इसके पापा हमें देंगे। अरे छोड़ो ना इस बात को खूबसूरत, अरे जल्दी से इसके पापा को फूल लगाओ ना। जल्दी करो जानो जल्दी करो। लगाओ लगाओ लगाओ। आपकी कैट बड़ी क्यूट है, क्या नाम है इसका? बेल जा रही है, कोई उठाए नहीं रहा? मुझे ना भूख लग रही है आंटी। मेरा नाम खूबसूरत है। अच्छा ना भाई खूबसूरत आंटी मेरे लिए कुछ खाने को लाए ना। जानू तुम और माँ जी ना पिंके के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, जब तक मैं और महमूद साहब ना अहम मामला डिस्कस कर लेते हैं। वो जो हमने डिस्कस करने हैं वो अहम मामला हैं। हाँ जी। अच्छा जी बेटा तुम यहाँ बैठ के ना बच्चों वाले कार्टून देखो, हम अभी आए। हाँ बच्चों वाले देखना। तू देखना नसीम खूबसूरत माँ जी। हाँ तू अपनी खूबसूरत आंखों से देख नसीम, जब वो 20 करोड़ आएंगे ओए तो कितना मजा आएगा ना। 20 करोड़ नहीं 20 लाख माँ जी। क्यों बाकी के पैसे अकेले हजम करना चाहती है तू? इनाम की रकम 20 लाख है माँ जी। कौन से इनाम की? वो ही जो पिंकी के घर वाले देंगे ना। तुझे तो तेरे घर वालों ने कभी इनाम नहीं दिया तो उसके घर वाले तुझे क्यों देंगे? क्योंकि हमने उनकी बेटी को बहुत अच्छे से इस घर में रखा है। रखा तो हमने भी तुझे इतने सालों से है पर तेरे अब्बे ने कोई इनाम नहीं दिया। क्योंकि ये घर मेरे पापा का ही है और वो ही चलाते हैं। पैसे मिलने के बाद इस घर में हम नहीं रहेंगे, हमने तो बाहर चले जाना है घूमने। इन पैसों को कोई सैर सपाटों पे खर्च नहीं करेगा। अच्छा तो अब तू बताएगी मुझे कि अपने पैसों का क्या करना है? अपने पैसे माँ जी वो पैसे हम सबके हैं और सबसे ज्यादा मेरे, क्योंकि पैम्फलेट मुझे मिला था। तो पैम्फलेट रख ले भले। माँ जी ये ले पिंकी के लिए सैंडविच ले जाए। पैसों का क्या करना है हम सब मिलके डिसाइड करेंगे, खुद ना खा ले। यार महमूद साहब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन 20 लाख को किस कारोबार में लगाऊं। अरे भाई मैं अपने 20 लाख तुम्हें डुबोने नहीं दूंगा। अरे आपके कौन से 20 लाख भाई? हाँ भाई मेरे 20 लाख, वो बच्ची मुझे मिली थी तो इनाम की रकम भी तो मुझे ही मिलेगी ना। और मैं यहाँ क्या आपकी बारात में सलामी देने के लिए आया हूँ? अरे भाई बाप हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे खाली हाथ थोड़ा छोड़ूंगा तुम्हें, मैं 1-2 लाख दे दूंगा तुम्हें। 1-2 लाख? आप एक यतीम बच्चे की बद्दुआएं लेना चाहते हैं? ये कौन यतीम बच्चा भाई? अरे मैं महमूद साहब,
अब अगर मेरा लंबी लंबी उंगलियों वाला रोशू अब्बा जिंदा नहीं है तो आप मेरा हक मारना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे उन पैसों में मेरा हक है भाई, मैं प्रोड्यूसर भी तो हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो फिर एक काम करते हैं, ये पैसे सब में ना बराबर बांट लेते हैं। अच्छा तो ये कर लेते हैं, मुंह ना फुलाएं वरना स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, पैसे आने के बाद तुम मुकर जाओ तो अभी अंदर चलो और मोमो और खूबसूरत के सामने मेरे साथ वादा करो। कर लेता हूँ वादा मैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, मोहल्ले की एक एक औरत मुझ पर भरोसा करती है, बस अपने घर वाले हैं जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। कौन सी औरतें? और चले यार, अब आपको बताऊंगा आप उन्हें कॉल करने लगेंगे, मैं पागल हूँ। आपको बता दूं कौन कौन सी औरत है। मेरा हिस्सा निकाल। अरे अभी तो पैसे आए ही नहीं है मुमताज। हाँ तो ये मुमताज ने पैसे क्यों नहीं भेजे अभी तक? मुमताज तुम हो यार, तो मैं कैसे दूं पैसे? मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है, वो भी ईद मुबारक वाला। ओ यार माँ जी अभी पैसे नहीं आए, जैसे ही पैसे आएंगे उसके 4 हिस्से कर देंगे, एक हिसाब का, एक महमूद साहब का, 2 मेरे और मेरा। ओ जानू तुमने आज तक कभी अपना हिस्सा लिया? नबील मैं 2 नंबर कामों में अपना हिस्सा नहीं लेती, लेकिन हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ये इनाम की रकम मेरी ही वजह से आप लोगों को मिल रही है, पैम्फलेट मुझे मिला था। ठीक है जानू ले लेना अपना हिस्सा यार, अब तो खुश हो और उसके पिंकी के पापा को कॉल तो मिलाओ। जल्दी करो ना, जल्दी करो। फोन नहीं उठा रहे यार, तो फिर एक काम करते हैं, बाहर पिंकी के पास चलते हैं, उसे पूछते हैं, हो सकता है उसे अपना लैंडलाइन नंबर पता हो, उस पे बात कर लेते हैं। जी जी आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी पिंकी कहाँ गई? कहाँ गई? पिंकी तो यहाँ थी। हाँ कहाँ गई पिंकी? पिंकी को ढूंढो भाई। पिंकी 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 टिंकी चिंकी। अरे मेरी जेब में क्या देख रही हो? वो कुछ चुंगम है। लेकिन हमें वापस मिल गई है। अरे मुझे बताओ कैसी है मेरी बच्ची खुदारा? बच्ची बिल्कुल ठीक है जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माशाल्लाह खेल कूद रही है, एंजॉय कर रही है। सुने आप वो नोट जो है ना वो 5-5 हजार वाले लेके आइएगा प्लीज। हाँ हाँ ले आऊंगा, मेरी बात तो कराओ मेरी पिंकी से। यार नबील ये तो पिंकी से बात करने के लिए कह रहा है, अब क्या करें? मैं पिंकी बन के बात करूं? अम्मा जी खुदा का वास्ता यार आप तो कुछ ही ना करें ना यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा जी, वो बात ये है पिंकी के पापा जी कि वो पिंकी अभी इधर ही थी, वो ना थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। क्या मतलब इधर उधर हो गई? किधर गई मेरी पिंकी? कौन ले गया मेरी पिंकी? अरे कहाँ है मेरी पिंकी? आप परेशान ना हो, घर में ही है, कहीं इधर उधर छुप गई है, वो हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। आप बड़ी घुल मिल गई है जी हमारे साथ, बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम, उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं। अभी तक तो जी 15-20 हजार तकरीबन हमारा जो है ना वो उसके खाने पीने में लग गया है। अरे तुम फिक्र मत करो, 20 लाख के ऊपर जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है वो मैं दे दूंगा। अरे मेरी पिंकी से मेरी बात तो करवा दो। आप एक काम करें, आप ना कोई 10-15 मिनट बाद फोन कर लें, हम आपकी पिंकी से बात करा देते हैं। ठीक है मैं फिर फोन करूंगा। खुदा का वास्ता पिंकी को ढूंढो वरना 20 लाख हाथ से निकल जाएगा। आप लोग जहाँ ढूंढो मैं मुसाब, आप मेरे साथ आए बाहर ढूंढते हैं। चले चले चले, आप यहाँ ढूंढिए मैं किचन में ढूंढती हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। पिंकी
छुपाई छुपन छुपाई में बड़ा मजा आता है ढूंढने में। चलो बेटा अब चलते हैं, बाकी खेल जो है ना वो घर जाके खेलेंगे। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, घर पे तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं और ऊपर से मुझे खाने को भी कोई कुछ नहीं देता। अरे वो आंटी ने तुम्हें सैंडविच बना के तो दिया था। वो गंदा वाला सैंडविच था अंकल, मुझे तो बर्गर खाना है। हाँ हाँ घर चलो, जो कहोगी वो खिलाएंगे, बर्गर पिज्जा जो कहोगी खिलाएंगे। निकाले मैं सब 2000। देख लो नबील ये 2000 मैं तुम्हारे हिस्से में से काटूंगा। अच्छा काट लीजिएगा। अच्छा, आप वैसे थोड़ा काटते हैं। ये लो पकड़ो 2000 रुपए। चलो अब चलो पिंकी आओ घर चले शाबाश। चलो लेकिन मैं पहले बता दूं कि मैं अपना बर्गर किसी के साथ शेयर। हां ठीक है ठीक है, नहीं देना किसी को, नहीं देना किसी को, नहीं देना। चलो चलो शाबाश। मैंने उन्हें एड्रेस मैसेज कर दिया था और कहा कि आप 20 लाख लेकर आ जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक बच्ची से बात नहीं होगी नहीं आएंगे। फिर से फोन आ रहे। पिंकी बेटा तुमने अपने पापा जी को बताना है कि हम सब ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, है ना? ओके अंकल मैं सब बता दूंगी, आप टेंशन ही ना लें। फोन को स्पीकर पे करो खूबसूरत। हाँ उठाओ 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 उठाओ। हेलो जी, अपनी बेटी से बात करें। पापा ये लोग बहुत डेंजरस है और इन लोगों के पास बिग बिग गन्स है। क्या इनके पास गर्ल्स है? और पापा इन लोगों ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। चल चुट्ठी। तुम फिक्र मत करो बेटा, इन्होंने अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दिया है, मैं अभी आता हूँ वहाँ, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी मेरी बेटी को अगवा किया। हेलो हेलो पिंकी के पापा, ये मजाक कर रही है, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। हेलो हेलो हेलो। अरे ये तो फोन ही काट दिया पिंकी के पापा ने। ये मिंकी तो बड़ी मिसनी निकली है। पिंकी। हाँ ये मिंकी तो बड़ी पिंकी निकली है मश्ता। तुमने अपने पापा से झूठ क्यों कहा पिंकी? क्योंकि आप लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है इसलिए। मुझे डर लग रहा है। ओ जानू कोई बात नहीं यार, कभी कभी मैं भी महमूद साहब का मुंह अचानक देख लूँ ना मैं भी डर जाता हूँ। मुझे महमूद साहब से नहीं पिंकी के पापा से डर लग रहा है, कहीं वो पुलिस ना ले आए। तो तू ही जेल जाएगी नगमा, क्योंकि वो खत तुझे ही मिला। खत नहीं पैम्फलेट माँ जी। जो भी है बस जेल तो तुझे ही जाना है, मैंने ये फाइनल कर दिया। अरे कोई जेल नहीं जाएगा भाई, अरे पिंकी के पापा को अपनी बेटी का पता होगा ना, वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि कौन किडनैप पर खुद एड्रेस देके अपने घर पे बुलाता है किसी को। हाँ यार पहली बार इस शख्स ने ठीक बात की है। देखो पिंकी के पापा जो हैं उसकी दिमागी हालत तो जानते होंगे ना, उनको पता है यार हम लोग कितने शरीफ लोग हैं। यार एक काम करते हैं, अभी चलते हैं बाहर, कहीं पिंकी दोबारा गायब ना हो जाए। भाई ओ भागो भागो। देखो मेरी प्यारी पिंकी बेटी, तुमने पहले बहुत बड़ा भंड मारा है, लेकिन अब तुम्हारे पापा जब आएंगे तो तुमने हम सब की बड़ी तारीफें करनी है, ठीक है? लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूंगी अंकल। लो जी। पर बेटा क्यों? इसका तो कोई दीन ही मान नहीं है महमूद साहब। क्योंकि अंकल मेरे पापा बहुत खतरनाक है और आपको पता है उनके पास बिग बिग गन्स है। इसका बाप कहीं डॉन तो नहीं है मुस्तकीम? नबील मुझे घबराहट हो रही है। जानू बस कर दो यार, पहली बार तो तुम किसी प्लान में हमारे साथ भरपूर शामिल हुई हो यार, इस बच्ची की बात को सीरियस ना लो। नबील लेकिन इसका बाप वाकई अगर डॉन निकला तो क्या करेंगे? यार महमूद साहब ये तो हमें भी कह रही थी पहले कि हमारे पास बिग बिग गन्स है यार, हमारे पास सिर्फ एक बिग बिग माउथ है आपका, तो आप टेंशन ना ले। नबील अब आप लोग खेले वरना मैं पापा को ना आप लोग की तारीफ नहीं करूंगी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इंस्पेक्टर साहब ये रहा बुलबुले का वो बच्चा अगवा करने वाला के, फांसी चढ़ा दे इन्हें। कसम से भाई मुझे तो नहीं पता, इन तीनों ने जो कहा मैंने वो कर दिया। क्या कहा माँ जी, हमने तो कुछ नहीं कहा। ये बच्ची तो इंस्पेक्टर साहब हमें सड़क पे मिली थी। हाँ, और हम इंसानियत के नाते से घर ले आए। ओए चुप करो तुम लोग। हाँ बेटा तुम बताओ क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? अभी बताती हूँ, ये वाली आंटी ने ना मेरे बाल खींचे और ये बिग मुंह वाले जो अंकल है इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और इन दोनों आंटी अंकल ने मुझे रस्सी से बांधने की कोशिश की।
और आपको पता है इनके पास बिग बिग गन्स भी हैं। बस बच्ची का बयान आ गया, तुम लोगों ने बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म किया है, अब देखना मैं तुम लोगों को पर कैसा केस बनाता हूँ। बहुत लंबे अंदर जाओगे तुम लोग सब। भाई जान लेडीज का तो कोई ख्याल करे ना। बस करो माई, तुम लोगों का पूरा गैंग है, मर्द और औरत, तुम लोग सब मुजरिम हो। भाई जान अकेले में हमारा बयान भी तो ले लेना प्लीज। आप लोग गाड़ी में चल के बैठे, मैं इनको अरेस्ट करके लेके आता हूँ। इनका इनकाउंटर करा दे इंस्पेक्टर साहब। आप चले, मैं इनको लेके आ रहा हूँ। चलो बेटा। बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ मुकुका हो सकता है? अच्छा मुझे ये बताओ कितने दे सकते हो? ये मेरी तरफ से तो आप ये लें। ये क्या, क्या मुझे भीख दे रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, ये बताइए कि आप कितने लेंगे इंस्पेक्टर साहब? पूरे 5 लाख। मसूद चले आप फिर गिरफ्तारी दे ही दें। माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है, घर में सोना जेवरात ये तो होंगे ही ना? जी जी है, बिल्कुल है जानू जानू। अब हम सब की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है जानू। जेवर का क्या है, पापा जी फिर बना देंगे जानू। जानू प्लीज, जानू जरा जल्दी जाना। अरे अल्लाह कितनी प्यारी है, शुक्र है रजिया मान गई, नहीं तो हमें सारों को ना जेल में वो पीसनी पड़ती। वो क्या? चक्की 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 चक्की। असली तो है ना? जी जी जी, अगर असली ना हो तो मैं आपको पापा जी का एड्रेस दूंगा, उनको पकड़ना है आपने, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा था ये असली है। ठीक है, अभी तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? जी जी जी, हमें पता है, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप नहीं छोड़ेंगे। नबील नबील, शुक्र है हम बाल बाल बच गए। क्या बाल बाल बच गए, मेरे जेवर तो गए ना। जानू अल्लाह और देगा। जानू जानू कंट्रोल, जानू कंट्रोल, जानू कंट्रोल। मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया। सही बात है, मजा ही आ गया लोगों को बेवकूफ बना के, कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गए। और ये देखो 5 लाख रुपए का जेवर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे? अबे तू बुलबुले नहीं देखते क्या, हर दूसरी एपिसोड में लूटते हैं ये लोग, आज हमने लूट लिया। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार।